अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ प्याज़ों की रिंग, इसे प्याज़ों के छल्ले भी कहते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत इजी है, मेरे बहुत फेवरेट हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैदा लिया है मैंने 1 कप। 4 अदद मैंने प्याज लिए और इन्हें गोल साइज़ में काट के अंदर से एक एक करके ये निकाल लिए हैं और ठंडे पानी में भिगो के रख दिया है। दूध लेंगे हम हसबे ज़रूरत, अंडा लेंगे 1 अदद और नमक लेंगे हम 1 टीस्पून। मैंने यहाँ 2 टीस्पून लिए, आप इसकी जगह 1 टीस्पून की जगह आप अजीनोमोटो ले सकते हैं, जिसे हम चाइनीज़ नमक कहते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेंगे और इसमें अंडा ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से अंडे को बीट कर लेंगे और साथ ही इसमें हम दूध भी ऐड कर देंगे। दूध को हमने बहुत एहतियात से ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि हमारा मिक्सचर थिक होना चाहिए। साथ ही इसमें नमक ऐड कर दूँगी, अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करती जाऊंगी। अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर ज़्यादा थिक है तो आप इसमें थोड़ा दूध और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मिक्सचर तकरीबन इसी तरह का होना चाहिए। हमारा मिक्सचर तकरीबन रेडी हो चुका है और मैं प्याज़ों में से पानी निकाल के उन्हें अच्छी तरह से खुश कर लूँगी और बस अब हमें इन्हें फ्राई कर लेंगे। एक पैन लेंगे और इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे और इसमें मैं थोड़ा सा प्याज डाल के चेक कर लेती हूँ हमारा ऑयल गरम हुआ है कि नहीं। तो ऑयल गरम हो चुका है और बस इसमें मैं सब ड्रिंक्स ऐड करती जाऊँगी। सब ड्रिंक्स मैंने ऐड कर दिए हैं, एक साइड से इन्हें ब्राउन होने देंगे। गोल्डन ब्राउन हमने इन्हें करना है तो इनकी साइड अब हम चेंज करते जाएंगे। बस थोड़ी देर हमने इन्हें और फ्राई करना है और मैं इन्हें निकाल लूँगी। मैं इस चीज़ से निकाल रही हूँ, आप छुरी से भी निकाल सकते हैं या चम्मच से भी, लेकिन इस तरह ज़्यादा बेहतर है। इस तरह करके इजीली निकाल सकते हैं। तो इसी तरह मैं सब निकाल लूँगी और रेडी है हमारे प्याज़ों की रिंग्स। बहुत ही टेस्टी बने हैं, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।